चलिए, सभी लोग आ गए। सभी लोग आ गए, ऑनलाइन कनेक्ट हो गए। से यस और नो। चलिए जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे ही ना कुछ। अच्छो, गुड इवनिंग। सब सोए हो? अबे आफ्टरनून है, इन्हें बोला बोल देने का जीवन में। क्या चलिए, आइए मालिक, चालू करते हैं। सभी लोग पेज नंबर 21 के ऊपर आएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जल्दी आ जाओ मेरे बच्चा। इंपॉर्टेंस ऑफ मेरे भाई बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? यस सी, सबसे पहले किताब को बाजू रखो, ठीक है? और आप मेरे से सिर्फ एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करो, लेट अस डिस्कस, ठीक है? किसी भी एनवायरनमेंट का इंपैक्ट क्या होता है? तुम्हारे आसपास जो चीजें होती है उसका तुम पे क्या इंपैक्ट होता है तुम्हारे हिसाब से? क्या ये इंपैक्ट सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो कैसे मेरे आसपास के एनवायरमेंट से मेरे ऊपर निगेटिव एनवायरमेंट होगा या मेरे ऊपर निगेटिव इंपैक्ट होगा? अनदर एग्जाम्पल, यही मेरे ग्रोथ के लिए भी कैसा पॉजिटिव एनवायरमेंट होगा? दोनों एग्जाम्पल के तहत बताओ, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस। अच्छा, निगेटिव कैसे होगा? मेरे आसपास के एनवायरमेंट की चीजें मेरे ऊपर कैसे निगेटिव होगी? फॉर एग्जाम्पल मैं ही बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये लड़की मेरे बाजू खड़े रह के अगर बीड़ी पी रही है, विल इट हैव अ निगेटिव इंपैक्ट ऑन मी? मैं पीऊ नहीं पीऊ, लेकिन विल इट हैव अ निगेटिव इंपैक्ट ऑन मी? यस यस। मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं और ये भाई अपना डीजे बजा रहा है शादी का, जाहिर सी बात है क्या मेरे ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है? यस राइट। अगर मेरे बाजू कर्फ्यू लगा है, मेरे बाजू अगर दंगे चालू है, रियॉट्स चालू है, तो जाहिर सी बात है इसका मेरे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, राइट? एट द सेम टाइम पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे पड़ता है? एट द सेम टाइम पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे पड़ता है? आप कभी अगर मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा आपको एक बहुत अलग शांति मिलती है वहां पे जाके। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी कम विद दैट पॉजिटिव वाइब। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप जहां पढ़ रहे हैं और आसपास में पूरे वही ऐसे लोग हैं जिनको खुद को भी आगे बढ़ना है, जो खुद पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको कई बार पढ़ाई करते देख के आपको ऐसा लगता है और एक घंटा में और पढ़ेगा, और बाजू में अगर खूबसूरत पढ़ने वाले लोग हो तो और मन तो और लगता है, मैं जाएगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। सो द पॉइंट इज एवरीथिंग हैज पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे पहले किसी भी बिजनेस को मदद करता है ग्रोथ करने में। पूछो कैसे? अगर किसी भी बिजनेसमैन को यह दिख रहा है कि यार मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसने ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लगा करके क्या किया, ग्रोथ किया है, तो जाहिर सी बात है इज योर कॉम्पिटिटर ऑल्सो योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? जैसे ही दिखता है यार कॉम्पिटिटर ने ये नई स्ट्रैटेजी लाई है। आइए मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल पेप्सियन कोला का, राइट? क्या हुआ, पेप्सी और कोला जो सबसे पहले आते थे, ये आती थी आपको याद हो कांच की बॉटल आती थी 10 रुपए की। इट वॉज पेप्सी द देन जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, 5 रुपए के अंदर में भी इसको लॉन्च किया, मतलब उसी बॉटल को हाफ कर दिया और 5 रुपए के अंदर में भी क्या किया, इसको लॉन्च किया। द मोमेंट पेप्सी ने इसको लॉन्च किया, तुरंत 5 दिन 7 दिन बाद कोला ने भी अनाउंस कर दिया कि हम भी इसी प्राइस के ऊपर लेकर के आ रहे हैं। एंड दैट इज हाउ द कॉम्पिटिशन ऑल्सो मोटिवेट्स यू टू ग्रोथ। आपको दिखता है आपका जो बेंच पे वाला बैठा है, राइट, वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप भी क्या करोगे, ग्रोथ के लिए परफॉर्म करना चालू करोगे, आप भी मेहनत करना चालू करोगे। तो एक चीज तो है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट आपको किसके लिए प्रमोट करता है, ग्रोथ के लिए। किसके लिए प्रमोट करता है, ग्रोथ के लिए। दूसरी बात, ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। कंटिन्यूअस लर्निंग कैसे? पूछो कैसे? आपको अगर दिखता है कि भैया जो मेरा कॉम्पिटिटर है, जो मेरा बिजनेस वाला है, इसने क्या किया है, इसने कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाई है जिसके कारण ये नया प्रोडक्ट इसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे अगर आपने देखा होगा, इट वॉज द देन फर्स्ट MI जिसने बैक फिंगरप्रिंट लेकर के आया था ओपनिंग के लिए। जैसे इसने लेकर के आया, बाकी लोगों ने भी फिंगरप्रिंट सेंसर्स के बारे में बात करना चालू करी,
यहां देंगे, फिर यहां देंगे, यहां देंगे, फेस रिकॉग्निशन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप खुद नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चालू कर देते हो। द मोमेंट कॉम्पिटिटर ने सीखा या मोमेंट नई टेक्नोलॉजी आई, आप खुद उसको क्या करने लग जाते हो, अडॉप्ट करने लग जाते हो। रीसेंट का आज का थर्ड केस स्टडी, अगर आपने देखा होगा रिसेंटली जो जियो की एनुअल मीटिंग हुई थी, जियो समझता है ब्रांड, जियो की जो एनुअल मीटिंग हुई थी, इन्होंने एक नया स्पेक्स लॉन्च किया है। किसी को हल्का सा भी आइडिया ये स्पेक्स में क्या डिफरेंस है, क्या है ये स्पेक्स में अलग, क्या है ये स्पेक्स में अलग? सर स्पेक्स के अंदर में सबसे पहली चीज एआई है, उसके बाद में स्पेक्स में ही यहां पे स्पीकर लगा है। आज क्या होता है स्पीकर्स के लिए हमको अलग से या तो हम वायर वाला या तो रीसेंट टाइम में चलने वाला ईयरबड लगाते हैं। अब स्पेक्स के अंदर में ही यहीं पे ही क्या होगा, आपको स्पीकर लगा हुआ रहेगा जिससे आपको सुनाई देना चालू कर देगा। सो दिस इज द न्यूएस्ट डेवलपमेंट, राइट? उन्होंने लॉन्च किया, एट द सेम टाइम जैसे उन्होंने लॉन्च किया वैसे ही टाइटन वालों ने भी बोल दिया, रेबेन वालों ने भी बोल दिया कि हम भी क्या लेंगे, स्पीकर वाले लेके आएंगे। रिसेंटली अब बोट ये काम कर रहा है, वो बोले हम भी गॉगल लॉन्च करेंगे जिसके अंदर में आप क्या करोगे, आप उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाओगे, चश्मा लगा हुआ है, आप उधर ही मूवी देख पाओगे और साउंड के लिए यही हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस से क्या किया, लर्निंग लिया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, लर्निंग लिया। यानी ये एक चीज वाला ऐसा है क्या कि एक बार बिजनेस डाल दिया तो अब कोई लर्निंग नहीं, या ऐसा है कि ये कंटिन्यूअसली आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा, कंटिन्यूअसली सिखाता। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, कल पुणे का डिसीजन आया, कल पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिसीजन आया, 50 माइक्रोन से कम की जो पॉलिथिन्स है इसे यूज नहीं किया जाएगा पुणे में। अब जाहिर सी बात है बिजनेस देखो कैसे सीखेगा, बिजनेस या बिजनेसमैन कैसे सीखेगा। अब 50 माइक्रोन की थैली से कम अगर मान लो मैं यूज कर रहा हूं, जाहिर सी बात है मैं देखूंगा कि कोई और भी इसे यूज कर रहा होगा, तो मैं देखूंगा मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या किया, 50 माइक्रोन का सॉल्यूशन क्या निकाला, फिर दिखेगा कि यार उसने जो सॉल्यूशन निकाला है, सॉल्यूशन दो तीन प्रकार के हो सकता है, कि वो पेपर बैग्स यूज करना चालू कर दे, हो सकता है कि वो क्या करना यूज चालू कर दे, खड्डा यूज करना चालू कर दे, हो सकता है वो 60 माइक्रोन का जो पॉली बैग्स है वो यूज करना चालू कर दे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे भी समझना होगा कि भैया वो ऐसा यूज कर रहा है तो मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट एफिशिएंट क्या रहेगा, मुझे भी ये समझना पड़ेगा। तो मेरे लिए एक बार का लर्निंग हो गया या रोज रोज लर्निंग हुआ बेटा, रोज रोज। दूसरी बात, एनवायरमेंट हमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देता है। अपॉर्चुनिटी मतलब नए बिजनेस के लिए मींस अपॉर्चुनिटी कुछ बड़ा करने के लिए। थ्रेट्स, थ्रेट्स का मतलब क्या है, मुझे डर है किसी चीजों का, ये मेरे लिए थ्रेट है, ये मेरे लिए डर है किसी चीजों का। तो थ्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, डर। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, कमाने का एक और मौका। थ्रेट बिजनेस के केस में गंवाने का एक मौका। थ्रेट क्या है, थ्रेट क्या है, बिजनेस में कई प्रकार के थ्रेट हो सकते हैं। पहला थ्रेट, गवर्नमेंट ने बोल दिया इस तरह के बिजनेस मत करना। अब सोचो जो दुकान वाला पॉली बैग्स बेचता है, आज पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये डिसीजन लेता है कि भैया 50 माइक्रोन से कम का क्या नहीं होगा, सेल नहीं होगा। आदमी ने अगर स्टॉक भर के रखा होगा तो वो स्टॉक का तो उसके ऊपर थ्रेट आ गया, हाँ या ना? अब उसको खरीदेगा कौन? दूसरी बात, बेचते हुए दिखा तो पुलिस पेनल्टी लगा देगी, वो आदमी को तो बिजनेस में लॉस थ्रेट आ गया ना भैया, अब मैं इसको खपाऊ किधर, अचानक से थ्रेट आ गया। अच्छा, जहां लोग सस्ते के चक्कर में 50 माइक्रोन के नीचे का खरीदते थे, अब उनको कितने से ऊपर का खरीदना पड़ेगा, 50 से ऊपर। तो जो 50 से ऊपर डील कर रहे थे डीलर, उनके लिए क्या बन गई, यही अपॉर्चुनिटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब क्या मैं कह सकता हूं, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी तो किसी ना किसी के लिए तो थ्रेट होगा ना मेरे भाई, हाँ जी, यस और नो? किसी को हां मिला मतलब तुमको ना मिलेगा, बात समझ ना जरा दिल से, है ना? हाँ, ये भी हो सकता है दोनों जगह हाँ हो, दोनों का कटे, बराबर है, राइट? मैं पता चला कोई डॉक्टर इंजीनियर लेके गया, हाँ, और फिर या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वाले लेके गया, राइट? और फिर बाद में तीनों ऑडिट कराने के लिए हमारे पास ही आए, समझ रहे? तो एक सिचुएशन ये हो सकती है, एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है आप बताओ, दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि भैया अपॉर्चुनिटी टू वन इज थ्रेट टू अनदर, और अपॉर्चुनिटी टू अनदर थ्रेट टू वन, दिस में भी पॉसिबल। सो बिजनेस एनवायरमेंट अब तक तीन चीजों पर बेस्ड हुआ, एक ये रोज नई नई चीजें सिखाता है, दूसरा इट ऑलवेज कम्स विद अपॉर्चुनिटी एंड
थ्रेट्स, ये कंटिन्यूअसली क्या करता है, आपको ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ के लिए प्रोत्साहित करता है। चौथा, इमेज बिल्डिंग। किसी भी बिजनेस एनवायरमेंट का एक इमेज बिल्डिंग क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? इमेज बिल्डिंग। आप क्या डिसीजन लेते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसके बेसिस पे आपका बिजनेस एनवायरमेंट का इमेज बिल्डिंग होता है। ये भैया तकलीफ वाली सिचुएशन में आप क्या कर रहे थे, इस बेसिस पे आपका क्या होता है बेटा, इमेज बिल्डिंग होता है। बात समझिएगा साहब। पहले जनरल एग्जांपल लेता हूं रियल लाइफ से, और फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं लाइफ बिजनेस से। जनरल एग्जांपल, मान लो दोस्त तकलीफ में है, तुम्हें दिख रहा है तकलीफ में है, फिर भी तुम उसकी मदद नहीं करने गए, दोस्त वो दोस्त नहीं रह पाएगा। जो एक इमेज बिल्डिंग वाली बात है वो रह पाएगी क्या? लेकिन हाँ, उसने देखा कि तुम खड़े थे, कोई और नहीं था, तुम ही कंधे थे, जैसे वो आया, भाई ये हुआ, चल बैठते, भाई ये हो गया, हाँ टेंशन मत ले, चल बैठते, भाई पास हो गया, कुछ नहीं, चल बैठते, भाई छोड़ के, भाई छोड़ के चले गए, भाई चल बैठते। आपके हर तरीके की सिचुएशन के लिए अगर वो बोलते भाई सॉल्यूशन तो एक ही है, चल बैठते हैं, अरे सॉल्यूशन तो एक मिनट, आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, एक मिनट, बैठ के बातें करते हैं बोला मैंने, चाय पीते हैं, चाय चाय। सो अगर आपके पास में यही सिचुएशन है मेरा बच्चा कि भैया यू नो, एक रियल लाइफ का अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के केस में इमेज बिल्डिंग किस तरीके से होती है। कोविड सिचुएशन आते ही सबसे पहले टाटा ग्रुप ने बोला मैं 1,000 करोड़ रुपए दूंगा, यानी यहां पे लोगों के सामने इमेज बिल्डिंग क्या हुई, टाटा। उस टाइम पे आप जानो ना जानो सोशल मीडिया पे इतने पोस्ट घूमे कि साला आपने करोड़ों की दूसरी कार ली, और जब आपको तकलीफ की बात आई तो सबसे पहले कौन सामने आया, होम ब्रांड, प्रमोट मेड इन इंडिया, समझ में, प्रमोट मेक इन इंडिया, उसको प्रमोट करना चालू करो। यानी जाहिर सी बात है, जब तकलीफों में आप अपने साथ किसी को पाते हो तो आपको लगता है यार ये इमेज बिल्डिंग वाली बात है। किस बिल्डिंग वाली बात है? इमेज बिल्डिंग वाली बात है। सो बिजनेस एनवायरमेंट को देखते हुए आप अपने बिजनेस के अंदर में क्या फैसला लेते हो, राइट, ये आपकी इमेज को इंप्रूव करने में मदद करता है, राइट। एट द सेम टाइम, जैसे कि आपको रिसेंटली बताओ, हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर है श्री मोदी जी, इनके ऊपर अगर आपको याद हो तो गुजरात रायट्स के क्या लगे थे, आरोप लगे थे कि गुजरात में जो 2002 के अंदर में दंगे हुए थे, ऐसा प्रोप था कि इनके ऊपर आरोप, इनके ऊपर शक था। इसके बाद में कई सालों से केस चले चले चले, अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने बोला कि भैया क्लीन चिट दिया, हाईकोर्ट ने भी क्लीन चिट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दिया कि भैया इनका कोई रोल नहीं है। अब देखो दो अलग अलग चीजें होती है। देखिए इमेज बिल्डिंग कैसे वर्क करता है एनवायरमेंट में, एट द सेम टाइम अगर आपको पता हो श्री श्री 1008 राहुल जी गांधी भी हंस क्या रहा है भाई, मोस्ट हैंडसम बैचलर में है भाई अपना, समझ रहे, हाँ मोस्ट हैंडसम बैचलर में आता है, ये तो कह रही थी उससे ही शादी करूंगी, शादी उसी से करूंगी। सब पॉइंट समझिए। अब देखिए इमेज बिल्डिंग, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इतने सारे आरोप थे उस रिकॉर्ड्स को लेकर के, लेकिन ना ही बीजेपी ना ही कोई और व्यक्ति ने कभी भी इस पॉइंट को क्या किया, इशू रेस किया। वो चुपचाप जाते, जब भी बुलाया जाता समन के लिए जाते, कोर्ट के अंदर में जाते, पेशी देते, वापस आ जाते, कोई लफड़ा नहीं। यहां भाई के ऊपर जैसे इशू अड़ाइज हुआ, देखा होगा आपने ईडी ने बुलाया, आप देखिए अगर ईडी ने बुलाया भी है इट वॉज वेरी सिंपल, आप चले जाते, लेकिन क्या हुआ, एजिटेशन। इसी पॉइंट पे क्या हुआ, एजिटेशन। इधर उधर के मंत्री आ गए, धरने पे बैठ गए, हमारे राहुल जी को आपने हाथ ही कैसे लगाया, एट अ चालवे ना। पॉइंट क्या हुआ, ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेते हो एज अ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे केस में देखो इमेज किसकी खराब हुई, एज अ पार्ट अगर देखा जाए तो बीजेपी का पॉइंट पे इमेज खराब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ही इज फॉलोइंग द प्रोसेस एंड द पार्टी इज नॉट ऑब्जेक्टिंग, लेकिन यहां पे नॉट होल्डिंग एनी पोजीशन, समझ रहे हो, आइडिया बहुत अच्छे हैं भाई के पास, इसमें कोई डाउट नहीं, आलू से सोना बनाने का पावर रखते हैं भाई, इनके बिजनेस आइडियाज बहुत तगड़े होते हैं, कभी भी मतलब मैंने देखा इज अ गुड, वेरी गुड बिजनेस सेंस,
खत्म, टाटा बाय बाय गया। यस सर, ऐसे केसेस के अंदर में इमेज बिल्डिंग का रोल प्ले होता है। अब देखो, आसपास का एनवायरनमेंट आपकी इमेज बिल्ड करता है। आसपास का माहौल अगर ऐसा हुआ, कांग्रेस का क्या इमेज बना, आप ये देखो। एट द सेम टाइम रिसेंटली महाराष्ट्र इशू सभी को पता है, पता है नहीं पता है, बराबर है। अब ऐसे केस में अगर आपने देखा होगा, एक ही पार्टी को लेकर के सारे इशू चल रहे हैं। अच्छा, इशू जिसने क्रिएट किया वो तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है, जिसके ऊपर शक है हमारे को, हमारा मोटा भाई, पिक्चर में ही नहीं, मीडिया में ही नहीं, समझ रहे हो बात। सो एक इमेज बिल्डिंग होता है किसी भी चीज का, और जाहिर सी बात है एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है इमेज बिल्डिंग को। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है किसको बेटा, इमेज बिल्डिंग को। ये भी बात सही है। यस, आइए इंपॉर्टेंस। देयर इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। ये बिल्कुल साथ साथ में चलने वाली चीज है दोनों भी। दिस इंटरेक्शन हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस फर्म एंड यूजिंग इट्स रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली। दिस हेल्प द बिजनेस इन द फॉलोइंग वे। पहला, डिटरमाइनिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। द इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड एनवायरमेंट वुड ब्रिंग आउट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू बिजनेस। एग्जाम्पल लिखते जाना साथ में, प्लास्टिक बैन बिलो 50 माइक्रॉन इन पुणे। अपॉर्चुनिटी टू वन एंड थ्रेट टू अनादर। समझ में आया बेटा, इट इज अपॉर्चुनिटी टू वन एंड थ्रेट टू अनादर। इट इज अपॉर्चुनिटी टू वन एंड थ्रेट टू अनादर। प्लास्टिक बैन बिलो 50 माइक्रॉन इन पुणे। डन है बेटा। सेकेंड, गिविंग डायरेक्शंस फॉर ग्रोथ। क्या ये ग्रोथ को भी डायरेक्शन देगा? यस। द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एनेबल द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। ये ग्रोथ और एक्सपांशन को आइडिया देगा। फॉर एग्जाम्पल फिंगरप्रिंट सेंसर इन फोन, जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया। एक जन को आइडिया, दूसरे को भी आइडिया आता, चल इसने इधर दिया क्या, मैं नीचे देता, साइड में देता, ऊपर देता, फेस रिकॉग्निशन ला देता। तो ये ग्रोथ के लिए अगर आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर इन फोन, कंटिन्यूअस लर्निंग, आप हर रोज कुछ नया सीखेंगे। द मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूअसली अपडेट देयर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग स्किल टू मीट द प्रीसीडेंट चेंजेस इन द रेलम ऑफ बिजनेस। रेलम ऑफ बिजनेस, बिजनेस की दुनिया में आपको, रेलम ऑफ बिजनेस बिजनेस की दुनिया, बिजनेस की दुनिया के अंदर में आपको कुछ ना कुछ रोज नया सीखने को मिलेगा। यस, फॉर एग्जाम्पल जब आप बिजनेस कर रहे हैं, अब जैसे हमारे क्लास की अगर मैं बात करूं, हमारे क्लास में हर तरीके का बच्चा एक ही तरीके का कॉम्पिटेंस रखता होगा क्या आपके हिसाब से? नहीं। यहां पे जितने बच्चे बैठे हैं, 100-150 जितने बच्चे बैठे हैं, राइट, इन सबका कॉम्पिटेंस अलग है। कभी कभी हमें पता चलता है कि एक बच्चा इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसको थ्रेट का थ्रेट भी क्या होता है वो भी नहीं समझता। दूसरा होता है इस तरीके का बच्चा जो बहुत अच्छे से जगह से पढ़ के आया होगा, या उसके घर पे ऐसा एनवायरनमेंट होगा, या वो खुद स्टडी में इंटरेस्ट लेता होगा, या उसने खुद ने देख करके समझ लिया कि हाँ ये वर्ड क्या होता है। तो हमें अब दोनों को डील करना है। अब हमें किस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा अपने बिजनेस को, कि जब हम पढ़ाएं तो हम थ्रेट के मीनिंग को भी एक्सप्लेन कर दें और पूरे वर्ड को भी एक्सप्लेन कर दें। यानी हमें खुद रोज बिजनेस के अंदर में नई नई चीजें सीखने को मिलती है। दूसरा, आप किराना दुकान लेकर के बैठे, इतने में कोई आता है और आकर के बोलता है, भैया पानी का बोतल है क्या आपके पास? हमें समझ आता है कि यार किराना दुकान में पानी की बोतल मांगने वाले भी लोग आ रहे। फिर आदमी क्या करता है, किसी पानी वाले से कॉन्टैक्ट करता है, उसको रखता है।
फिर कुछ लोग आए, भैया दूध है क्या? आप देखो एक बिजनेस कैसे डेवलप होता होगा। देखिए किसी को पहले से नहीं सोचता कि यहां पे क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, वो रुकता है, कस्टमर आता है, उसकी नीड को समझता है, और नीड को समझने के बाद वो बिजनेस में डेवलपमेंट करता है। फिर उसको समझता है दूध, ठीक है, फिर उसने दूध मंगाया। अब जब वो दूध मंगाता है तब उसको समझ में आता है, एक और कस्टमर आता है, भैया दूध है? बोलते हैं हाँ दूध है ना, बताओ कितने लीटर दूं? भैया आधा लीटर। तब इसको समझते आता है यार मैंने तो एक लीटर के पैकेट मंगाए हैं। देखिए बिजनेस धीरे धीरे डेवलप होता है, इट्स नॉट अ वन डे गेम। हाँ अरे हेलो, इट्स नॉट अ वन डे गेम। वो बोलता अच्छा आधा लीटर वाले भी चलते हैं भाई, मैं तो कस्टमर छोड़ रहा हूँ। फिर वो क्या बोलता है नेक्स्ट, जब उसका क्रेडिटर आता है, भैया एक काम करो एक लीटर वाले तीन दो, आधा लीटर वाले दो दो, तो उसके पास दोनों तरह के कस्टमर हो गए। फिर एक कस्टमर आया, भैया दही श्रीखंड कुछ है क्या? क्यों ना मैं एक डेयरी प्रोडक्ट वाले से बात करूं, एक फ्रिज रखवा लूं, उसमें कोल्ड ड्रिंक, चीज, पनीर, श्रीखंड एटसेट्रा 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 सारी चीजें रख दूं, इंक्लूडिंग आइसक्रीम भी रख दूंगा, कोई शाम में आता है आइसक्रीम मांगने के लिए। तब जाकर के देखिए किराना दुकान में एक फ्रिज आता है, आपने अगर देखा होगा वो ट्रांसपेरेंट वाला फ्रिज। फिर वो कंपनी से बात करता है एक फ्रिज का अरेंजमेंट करवा दीजिए, वहां पे आपका सामान रखिए, मैं सब कुछ बेचूंगा यहीं से। तो दैट्स हाउ बिजनेस ग्रोज डे बाय डे, दैट्स हाउ बिजनेस डीलिंग्स कम इनटू पिक्चर, एंड कंटिन्यूअसली लर्निंग इज अ प्रोसेस। द मैनेजर आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूअसली अपडेट देयर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग स्किल टू मीट द प्रेडिक्टिव चेंज। अब देखिए आपको क्या लगता है भारत के अंदर में QR पेमेंट जो आया ये कैसे आया? पहले अगर आप देखते थे तो क्या होता था, आपको सिर्फ कैश पेमेंट करना पड़ता था। फिर इनको समझ में आया मैक्सिमम लोग आ रहे भैया जीपे, भाया जीपे, क्या भाया भाया, ठीक है। इसके बाद में वो बेचारा बोलता था एक काम करो मैडम इस नंबर पे कर दो। फिर एक कस्टमर आया, दो कस्टमर आया, तीन कस्टमर आया, चौथी भी दीदी आई, चौथी भी दीदी आकर के बोलती है हाय आया यू एक्सेप्ट ऑनलाइन ना? हाँ मुझे मतलब कैश नहीं रखती हूँ, आई डोंट हैव पर्स। ऐसे केसेस के अंदर में बिजनेस की लर्निंग में क्या है? तुम लोग है ना ये एक मिनट एक बात समझो, ये जो अचानक मेरे अंदर दीदी आ जाती है ना इस पर दिमाग मत लगाओ तुम, ठीक है? ये मल्टीपल स्प्लिट पर्सनालिटी वाला इशू है अपने साथ, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने पहली बताया तो जिनका आज पहला दिन है बेटा डरना मत, यहाँ कुछ भी क्या चल रहा जीवन, तो किसी का अगर पहला दिन है तो प्लीज डरना मत। ये बाकी लोग इसलिए हंस के मजे ले रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया है, ठीक है? तुमने डरना मत, ये मास्टर ही है ना, इसके कपड़े वपड़े भी आज सही नहीं दिख रहे थोड़े है ना, इसके कपड़े वपड़े भी आज सही नहीं दिख रहे, कुछ तिलक विलक भी लगाया हुआ दिख रहा है आज, क्या क्या शादी है तुम्हारी, बताइयो। सो आप कंटिन्यूअसली लर्न करते हैं कुछ ना कुछ नई चीज। देख मैं आप देखो कंटिन्यूअस लर्निंग किस तरीके से होती है। इनफैक्ट अगर आप बिजनेस में नहीं भी है तो भी लर्निंग तो आपका पार्ट है ही। अब जैसे जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, आज प्रॉब्लम क्या है देखो, बचपन से आज तक क्या ऐसा था, हमें अगर कोई भी कपड़ा चाहिए था, कोई भी अगर हमें कोई भी कपड़ा चाहिए था, मम्मी को सब पता था, मम्मी ला देते थे काम खत्म, उसमें हमारा चॉइस नाम का कोई चीज नहीं होता था। फिर वो ऑरेंज आए, ब्राउन आए, रेड आए, पिंक आए, जो आ जाए आ जाए, समझ रहे हो? उसमें सुपरमैन दिखे, शक्तिमान, कोई भी कुछ भी हो सकता था उसमें, बराबर आज तक जो होता था। फिर हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब क्या होता है मम्मी बोलती है तू खुद ही जा करके ले ले। अब हम जाते तो हमारे को कपड़े का फर्क तो समझता नहीं, समझ में आ रहा? अपन क्या देखते कलर और साइज, विषय ओवर। फिर जाकर के मम्मी का डिस्कशन या पापा का डिस्कशन कहां से चालू होता है, कौन सा कपड़ा है पता नहीं। बट नेक्स्ट टाइम जब हम खरीदी करने जाते हैं, ये हमारे भी लर्निंग होती है कि कपड़े को टाइप से परचेस किया जाता है कि भैया ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, इसका क्या विशेषता है। तो आप बिजनेस में हो या नहीं हो, पर लर्निंग तो है ही कि नहीं बेटा? सो द मैनेजर आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूअसली अपडेट देयर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल टू मीट द प्रेडिक्टिव चेंज इन द रियल रेलम ऑफ बिजनेस। तो QR कोड भी किस तरीके से आया होगा हर बिजनेस के अंदर में, ठीक इसी तरीके से जब बहुत सारे लोग बिजनेस में जाने लग गए और उन्होंने देखा कि अब लोग कैश कैरी नहीं करते, तो उन्होंने भी क्या करना चालू किया, बात किया, कॉन्टैक्ट किया, न्यू लर्निंग ली, पेमेंट कैसे आता है, फिर ये लगाया, ये लगाने के बाद पीछे पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। मतलब
कुछ लोगों को समझता नहीं था एग्जैक्टली आया या नहीं आया. पेटीएम वालों ने ये बिजनेस समझा, उनने देखा कि लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, क्योंकि एग्जैक्टली लोग ऐसा उचुक करके जाते थे, तो पेमेंट आया या नहीं आया उनको समझता ही नहीं था. इसीलिए उनने बोला कि भैया एक पीछे स्पीकर रख दो, जैसे ही पैसा आया पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए. हाँ ये ठीक. अब इन्होंने रखना शुरू किया. एंड दैट्स हाउ बिजनेस लर्न न्यू स्किल्स. बिजनेस लर्न न्यू स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टेंस ऑफ UPI पेमेंट. एक्सेप्टेंस ऑफ UPI पेमेंट्स. Environment understanding helps the business organization improving their image by showing their sensitivity to environment. क्या शो करना है? Sensitivity to environment in which they operate. They should be sensitive. क्या आपके toothpaste में नमक है? वैसा वाला? ना. वैसे sensitivity नहीं चाहिए, sensitive चाहिए. सर विटी और सेंसिटिव में क्या फर्क है? पूछो ना. क्या फर्क है? सेंसिटिव का मतलब अगर मेरे आसपास कुछ भी होता है तो आई एम कंसर्न टू इट. ऐसा नहीं बाजू वाले के शॉप के अंदर में आग लगी हो, फौने क्या, फौने क्या, जैसे पानी डालना है. यू शुड नॉट, यू नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. बाजू वाले के आग लगी, फौने क्या, फौने क्या, जैसे पानी डालना है. ऐसा नहीं. ओ चम्मी कपूर, यू शुड बी कंसर्न कि बॉस कहीं वहां पे कोई गुजर तो नहीं गया, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ का स्टॉक ये करने में, क्या मैं किसी फायर ब्रिगेड वाले को बुला सकता हूँ. यू शुड बी सेंसिटिव टू थिंग, है ना. जैसे तुम सेंसिटिव हो जाते हो ना, कोई लड़की आती है पार्किंग करने के लिए, उसको पार्किंग नहीं मिलती तो तुम अचानक सेंसिटिव हो जाते हो. एक मिनट, आए थोड़ा उधर सक. और एंड में शी बी लाइक थैंक यू भाया. एंड में शी बी लाइक थैंक यू भाया. इमेज बिल्डिंग एक चीज होती है, बात समझ रहे हो? आपके आजू बाजू जो भी कुछ हो रहा हो, अब जैसे अगर हम रिसेंट की बात करें तो बस अगर आप देखें आसाम में फ्लड जा रहे हैं, यहीं पे ही आसाम में फ्लड वाला सिचुएशन है, बहुत से लोग यू नो तकलीफ में है. अब ऐसे केस में बींग अ टीचर, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आसाम के अंदर में होंगे या उस रीजन के अंदर में होंगे. अब सीए का एग्जाम आ रहा है, सीएमए का एग्जाम आ रहा है, सीएस का एग्जाम आ रहा है, अगर मेरे तरफ से बाकी कुछ नहीं, देखिए मैं वहां पे मनी वाइज जो हेल्प कर सकता हूँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग. दूसरा, अगर मैं वहां पे इतना भी कह दूँ ट्विटर पे जाकर के कि प्लीज इंस्टीट्यूट काइंडली कंसिडर द सिचुएशन और उन लोग एटलीस्ट उस रीजन के स्टूडेंट को आप क्या दें, रिलैक्सेशन दें, दैट शोज अ सेंसिटिव पॉइंट कि बॉस मैं इस चीज को लेकर के कंसर्न हूं. और हर बिजनेस, अब जो भी बिजनेस होगा, अगर मान लीजिए एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस विजय ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया आने वाले 6 महीने के अंदर में आसाम से जो भी रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी बच्चे का, तो उसका एक क्लास को एट दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट दिया जाएगा, कंसीडरिंग कि उसका घर या उसके पास बहुत नुकसान हुआ होगा. एंड दैट्स हाउ एक बिल्डिंग बनता है, इमेज बिल्डिंग बनता है कि यार नहीं, दिस पर्सन इज कंसर्न टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर इशू. एंड दैट्स हाउ इमेज इज बिल्ड. सेंसिटिव अगर बिजनेस रहेगा इस चीज को लेकर के, तो एक इमेज बिल्ड होगी. एंड द लास्ट वन, मीटिंग कॉम्पिटिशन. जाहिर सी बात है, जब आप दूसरों को देख के सीख रहे हैं और दूसरे आपको देख करके सीख रहे हैं, तो आपका कंपटीशन भी हेल्दी बिल्ट होता है. ऐसा नहीं है, मतलब लोग जब कंपेयर करें तो तगड़ा कंपटीशन होना चाहिए. कैसा कंपटीशन होना चाहिए? तगड़ा. सो इट हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, फॉर्म देयर ओन स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. ये दूसरों की स्ट्रैटेजी देख के अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बात करता है, और अपनी स्ट्रैटेजी देख के दूसरे भी क्या करते हैं बच्चे, स्ट्रैटेजी बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल टाटा डोनेशन फॉर कोविड, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोला. आहो राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ
बिजनेस एनवायरनमेंट, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स It helps in identifying areas for growth and expansion. It helps in continuous learning it helps in image building with understanding of सेंसिटिव इशू इट हेल्प्स इन मीटिंग कॉम्पिटिशन डने बच्चे इज दैट डन मेरे बच्चा ब्रो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट यहां पे इट्स का आई गायब हो गया है कृपया आप अपना आई लगा दे वहां पे बराबर है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट ये रिश्ता क्या कहलाता है ये रिश्ता क्या कहलाता है कुछ संबंध है क्या संबंध है पहला ये रियलिटी बाइट देता है ये क्या करता है रियलिटी बाइट देता है रियलिटी बाइट मतलब ये कोई हसीन पिक्चर नहीं दिखा रहा ये कोई हसीन पिक्चर नहीं दिखाएगा आज तुम फाउंडेशन क्लियर कर दोगे फिर इंटर में चल जाओगे फिर आर्टिकल चिप हो जाएगी फिर सीए बन गए यह आसान नहीं है मिनिमम 14-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा रियलिटी बाइट पढ़ना भी पड़ता है खैर देखो अभी तुम हो बहुत मजे में तुम्हारे चल रहे मजे ठीक है ना तुम्हारे क्या चल रहे मजे अभी तुम कुछ नहीं अभी तुम बहुत आराम से बेचारे नए नए कौले कौले फाउंडेशन में बच्चे आए हो तुमको लग रहा है कितना मस्त ना तुमको ये लग रहा है लगेगा नहीं तुम इंटर में आओगे ना बेटा इंटर में आओगे ना तुम ये बहुत इजी मतलब इजी से भी इजी है
इंटर में आने के बाद पता है क्या लगेगा? काय चल रहा है आयुष्य? फाइनल के अंदर में तुम अपना जीवन छोड़ चुके होते हो। कभी कभी देखना तुम लोग के आसपास में इंटर वाला बच्चा बैठा रहेगा, वो अलग लेवल पे फ्रस्ट्रेट रहता। इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, इतने सारे चैप्टर, हर चैप्टर का पैरामीटर बिल्कुल अलग। फिर उसके बाद आती है आर्टिकलशिप, तुमको काम करना पड़ता सुबेरे 9 बजे से लेकर के मिनिमम में शाम 7, मिनिमम। टैक्स ऑडिट का डेट रहे तो रात में 2, रात में 3 ऑफिस में बचते हैं। आप हमें डरा रहे हो? हाँ, मिनिमम बचता है, ठीक है। दूसरी बात, तुमको ट्रैवल करना पड़ता इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ट्रेन में जा दूसरी सिटी के अंदर में, फ्लाइट में जा दूसरी सिटी में। फ्लाइट बहुत बकवास लगता है। सी, अब तक अगर तुम फ्लाइट में नहीं बैठे होंगे ना, ठीक है, तो तुमको पहले 8-10 बार तो बहुत मजा आएगा, फ्लाइट वीडियो, फिर एरोस्ट्रेस में नाम दिखा इधर सर्च करने का, ये सब बहुत, ये पहले 4-5 दिन बहुत अच्छा, पहले 4-5 बार बहुत अच्छा लगता, बाद में आपका ये सरदर्द बन जाता। क्योंकि ट्रेन के केस में इतना चेकिंग ये वो है ही नहीं, डायरेक्ट जाओ ट्रेन में बैठे हो, खत्म विषय। यहाँ पे पहले 2 घंटे जाओ, सिक्योरिटी चेक करवाओ, बैग अलग रखवाओ, फिर आपको अलग जगह बैठना, फिर वहां से बैठना, ये अलग टेंशन है। तो ये पहली बार तो ठीक लगता है, लेकिन फिर जब आपकी क्लासेज है, सपोज इधर आपने क्लास लगाई, क्लास छूट रही है और उधर आपको भेज दिया भैया कहाँ, साउथ इंडिया ऑडिट करने के लिए, रोज सुबह इडली सांभर। तो पहले पहले बहुत अच्छा लगता है, बाद में अच्छा नहीं लगता बेटा जीवन में ये। और उसके बाद में फाइनल, कभी भी किसी फाइनल वाले के बाजू बैठना ऐसा 10 मिनट, तुमको ऐसा लगेगा तुम बहुत गलत जोन में बैठे हो, क्योंकि आपने उससे कोई भी फालतू बात करने की कोशिश की। फाइनल वाले बच्चे के पास इतना टाइम भी नहीं रहता ना, वो इतना एंटरटेन करता, क्योंकि पहले उसकी 5-6 जगह से लगी रहती, उसकी क्लासेस से लगी है, उसके ऑफिस से लगी हुई है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही, उसको पढ़ना है, डिग्री लेना है, हेल्थ वाइज अलग लगती, तब तक के अगर 1-2 अटेम्प्ट हो गए तो घर वाले बायोडाटा बाहर निकाल देते, चलो भैया खत्म करते इसका, जरा करते बैठेंगे आगे। तो ये सारी चीजें अलग लेवल पे होती रहती। तो पहला, कोई भी एनवायरनमेंट कभी भी आपको एक रियलिटी बाइट देगा। रियलिटी बाइट मतलब जो सही है वो आपको क्लियर पिक्चर दिखाएगा कि भैया ये है और ये नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को लेकर कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर अगर मार्केट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना ही होगा। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस। आज एक बिजनेस को जितने इनपुट मिलते हैं ये सारे एनवायरमेंट से मिलते हैं, मानते हो या नहीं? चलिए बताइए, एक बिजनेस में कौन कौन लोग रहते हैं, बोलो, बिजनेस में कौन कौन लोग रहते हैं? पहला ओनर, दूसरा अदर ह्यूमन रिसोर्स। अदर ह्यूमन रिसोर्स क्या आपके घर से आते क्या? नहीं। कहां से आते? बाहर से। फिर आपको लगेगी मशीनरी, आप बनाते हो, बाहर से आती है। फिर आपको लगता है रॉ मटेरियल, बाहर से आ रहा है। पैकिंग मटेरियल, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, आप जो कुछ ले रहे हो बिजनेस में, बिजनेस के अंदर में जो कुछ आ रहा है वो सभी तो बाहर का है, बिजनेस एनवायरनमेंट का है। और बिजनेस एनवायरनमेंट जब सब कुछ बाहर से ले रहा है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बिजनेस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? बिजनेस इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर एवरीथिंग। सो जाहिर सी बात है ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, यस, पावर और इन्फ्लुएंस बहुत रोल प्ले करता है बिजनेस का। अगर आप कहते हो कि मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं ये टाटा ग्रुप को सप्लाई होता है, एक मिनट के लिए बात सोच के देखना, मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं ये सप्लाई होता है, दोनों में क्या फर्क है आप समझाइए। मैं जितना प्रोडक्ट बनाता हूं ये पूरा का पूरा टाटा को देता हूं, ये लाइन में मैं जितना प्रोडक्ट बनाता हूं मार्केट में सेल कर देता हूं, इस लाइन में क्या डिफरेंस दिखता है आपको? पहला, ब्रांड इमेज, ही इज एन एंसिलरी टू टाटा, समझ रहे हो? तो जब ये बैंक में भी जाएंगे लोन लेने के लिए, ये किसी को रिप्रेजेंट भी करेंगे, एंसिलरी है टाटा की, पूरा माल टाटा ग्रुप में जाता है। बेटी है विवाह वाली,
समझ रहे हो? और यही अच्छा खासा काम है, कोल का काम है, सप्लाई करते हैं। अच्छा, किसको सप्लाई करते हैं? वो तो पता नहीं, करते बेटी है विवाह के लिए। हाँ ठीक है ना, करेंगे डिस्कस। इमेज आपका चेंज हो जाता है क्योंकि इन्फ्लुएंस पावर अलग यूज होता है, राइट? सो चेक कीजिएगा। इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल कॉर्पोरेट एंटरप्राइज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफर अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी लिमिटेशन थ्रेट एंड प्रेशर एंड देयर बाय इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइजेस। द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट मे बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन विद देम इन सर्वल मेजर्स एरिया। पहला, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें मार्केट से कई इंफॉर्मेशन मिलती है, एट द सेम टाइम हम मार्केट में कई इंफॉर्मेशन एक्सर्ट करते हैं। तो एनवायरनमेंट हमें क्या देता है? मार्केट की इंफॉर्मेशन। एनवायरनमेंट हमें क्या देता है? मार्केट की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, क्या चल रहा है? सेल्स बढ़ी है, कम हुई है, कैसा चल रहा है? फॉर एग्जांपल, जैसे आज अगर हम देखा, फेस टू फेस क्लासेस वापस शुरू हुई है, एक पढ़ाई वाला माहौल फिर से शुरू हुआ है। यस, नहीं तो आप एक अपने कमरे के अंदर में बैठे हैं, आपके कपड़े वापस यूज होने चालू हुए। इमेजिन पिछले 2 साल से क्या था, बनियन बर्म्यूडा, लाइफ खत्म। अब आपके कपड़े वापस यूज होने चालू हुए, चप्पल 6-6 महीने यूज नहीं हुई है। भाई साहब, हम ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां चप्पल का कोई काम नहीं है। सो बॉस, ऐसे केसेस के अंदर में अब क्या होता है, जैसे मैं कहीं पे भी जाता हूं तो कोई भी मेरे को मिलता है तो सबसे पहला सवाल यही पूछता है, और क्लासेस चालू हो गई? आजकल तो ऑनलाइन ही चल रहा होगा ना। फिर उनको बताना पड़ता है, नहीं, फेस टू फेस चालू हो गया है, बच्चों की आवाज, वो जोक के ऊपर से वापस से जो क्राउड हमिंग आता है, बोलता अच्छा चालू हो गया फेस टू, मतलब दोनों चल रहा है क्या? हाँ, दोनों चल रहा है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बिजनेस में ऐसी कई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आप अपने कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन बार बार लेते रहते हो, उसका क्या चल रहा है? अच्छा, और उसका, ओहो अच्छा ऐसा कर रहा है। इन शॉर्ट, अपने घर में जो पंचायती चलती है ना गांव की, सेम बिजनेस में भी ऐसा होता है। बिजनेस के अंदर में भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसका ऐसा चल रहा है, उसका ऐसा चल रहा है, वो इस तरीके के बिजनेस में घुस गया, वो ये तो कर ही रहा था अब ये भी करने लग गया, दुकान में खाली बैठा रहता था तो बिटकॉइन माइनिंग शुरू कर दी। उसको समझता है बिटकॉइन? अरे सर, पॉइंट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्कैन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरिएबल एलिमेंट्स देयर बिहेवियर एंड चेंज फ्रॉम विच इट जनरेट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड यूजेज इट फॉर इट्स प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल पर्पज। मच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग इज अटेंड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जनरेशन इज वन वे टू गेट ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ अनसर्टैनिटी एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। रियालिटी बाइट, एनी डाटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंट इज इन्फॉर्मेशन। हम कहेंगे कि कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन कब मानी जाएगी? जब भी कोई चीज़ हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक काम की है, उसे हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, इनपुट, फाइनेंस, मटेरियल, मैन पावर, इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल एंड अदर अग्रीमेंट। द रिसोर्सेज आर ऑफन कैटेगराइज्ड एज 5M। 5M आर रिसोर्सेस। पहला मेन, जो आपको बाहर से मिलता है। दूसरा मनी। ऐसे कुछ याद आ रहा है क्या कुछ लोगों को? मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स। इकोनॉमिक्स में हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि ये 5 रिसोर्सेज है जिसमें बिजनेस को क्या करना है, मैनेज करना है। इट सस्टेन इटसेल्फ बाय एम्प्लॉइंग द अबव इनपुट फॉर इन्वॉल्विंग और प्रोड्यूसिंग द आउटपुट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। द ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ इट्स आउटपुट। एट द सेम टाइम आपकी कंपनी में भी जो बनेगा, आप भी डिस्पोजल करोगे, वो किसी एक्सटर्नल व्यक्ति को ही रहेगा। This is also interaction process, perceiving the need of external environment and catering to them, satisfying the expectation and demand of the clientele groups such as customer, employees, stakeholder, etc. Exchange of influence and power. Another area of organizational environment interaction is the exchange of power and influence. The external environment holds considerable power over organization, both by virtue of being more inclusive as also by virtue of its command over resources. It offers a range of opportunity, incentive, rewards on the one hand and a set of constraint, threat and restriction on the another hand. Reality bite. FMCG company Patanjali, endorsed by Baba Ramdev,
इज नाउ अ बिग प्लेयर इन द इंडस्ट्री एंड इज गिविंग अ टफ कॉम्पिटिशन टू वेल स्टैब्लिश्ड एफएमसीजी लाइक एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर गोदरेज डाबर पीएनजी नाउ पीपल प्रिफर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ओवर केमिकल प्रोडक्ट पतंजलि सक्सेस हैज टेकन इट इट्स पोजिशन वेयर इट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट श्योरली पतंजलि गैदर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट कॉम्पिटिटर्स अबाउट द पब्लिक प्रेफरेंस एंड डिमांड एंड देन यूज इट टू फुलफिल देम थ्रू मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट यस आ जाओ बेटा रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट पॉइंट नंबर वन इट हैज डायरेक्ट रिलेशन दे गेट exchange of information from external resources they provide a reality bite They help in exchange of information and its resource utilization. They offer opportunities and threats Is it Jhala? क्या environment influences on business? ये लाइन देख के वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा इसमें कुछ नया थॉट नहीं दे रहे हम कि एनवायरनमेंट अगर खराब है आपके प्रोडक्ट या कंपनी इमेज को लेकर के आपका फायदा होगा या नुकसान होगा यही आपका फेवर में रहा तो सेंसिबल यानी एवरी एनवायरनमेंट एवरी वेरिएबल कॉम्पिटिटर गवर्नमेंट पॉलिसी यू नो इंफॉर्मेशन ये हर एक रोल बहुत बड़ा प्ले करते हैं किसके लिए बेटा एनवायरनमेंट के लिए जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग Business also do not function in an isolated vacuum. Business function within a whole gambit of relevant environment and have to negotiate their way through it. जाहिर सी बात है बिजनेस भी एक एनवायरनमेंट में वर्क करता है और उसे भी निगोशिएट करना पड़ता है गवर्नमेंट की पॉलिसी एडजस्ट करके चलनी पड़ती है कॉम्पिटिटर के इशू एडजस्ट करके चलने पड़ते हैं सभी इशू एडजस्ट करके चलने पड़ते हैं To the extent to which
बिजनेस ड्राइव डिपेंड ऑन द मैनर इन विच इंट्रैक्ट्स विद द एनवायरनमेंट टू बी सक्सेसफुल. अ बिजनेस हैज नॉट ओनली रिकॉग्नाइज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट बट ऑल्सो रिस्पेक्ट अडॉप्ट मैनेज एंड इन्फ्लुएंस देम. हर चीज़ करनी पड़ती है हमें, दूसरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी क्या करना पड़ता है, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल गणपति फेस्टिवल, एक बात माननी पड़ेगी भाई साहब, अगर आप पुणे के बाहर से नहीं है और पुणे आने की इच्छा रखते हैं तो उस टाइम पे आइए जब यहां पे गणपति हो. नेक्स्ट लेवल, आपको दो दिन पुणे पूरा पुणे नाचते हुए दिखता है. गलत बोल रहा हूं भाई साहब, हो मना की रे है, पूरा पुणे नाचते हुए दिखता है आपको लिटरली. अच्छा दूसरी बात, इतने सारे लोग नाचते रहेंगे लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कभी किसी लड़की को छेड़ दिया गया हो या लड़की को परेशान किया गया, नहीं ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता. सब लोग मतलब एक इधर गणपति, एक इधर गणपति, इधर गणपति, इधर गणपति, सब मस्ती में है. लेकिन आप देखिए जो दुकानें होंगी, बिजनेस होंगे, ये तो हर धर्म के लोगों के होंगे, लेकिन ईमानदारी से दो दिन हर व्यक्ति अपने दुकान को बंद रखता है और एक दूसरे के रिलीजन या आस्था को रिस्पेक्ट करता है. समझ में आ रही बात? तो बिजनेस को रिस्पेक्ट देना पड़ता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो हो रहा है. ठीक उसी तरीके से जिस दिन ईद या बाकी चीजें रहती है हम भी कोऑपरेट करते हैं उस चीज को लेकर के. यस, दूसरा अडैप्ट, आपको भी उस हिसाब से अडैप्ट होना पड़ता है. आपको भी उस हिसाब से क्या करना पड़ता है, अडैप्ट होना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैकडी साहब, भगवान ने और सरस्वती माता ने बड़ी दया रखी, सीए बना, पैसा कमाया, आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिला. जब मैं आउट ऑफ इंडिया गया तो जाहिर सी बात है वहां के पहले तो आधे खाने अपने को समझते नहीं, ऊपर से अपन है माहेश्वरी, मतलब अपन अंडा भी हाथ नहीं लगाते, समझ रहे हो, तो अपने खाने के और इशू स्पेसिफिकली आउट ऑफ इंडिया में, राइट. अब ले देके हमारे लिए बचता क्या, खाकरा, थेपला, चावल, दाल जो उनको बनाते आती नहीं, बराबर है, तो ले देके अपने पास सिर्फ इतना ही रहता. अब ऐसे केसेस के अंदर में मैकडी को अगर आप देखो, आउट ऑफ इंडिया के जितने मैकडी है वहां पे आपको वेज बर्गर नाम की कोई चीज ही नहीं है. क्या आपको ये पता है? मैं मलेशिया गया सर, मैं थाईलैंड गया, मैं सिंगापुर गया, राइट, यहां के मैकडीज में आपको कभी भी यू नो वेज बर्गर नाम का चीज दिखेगा, देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल. वो वेज के नाम पे भी अंडा डाल के दे रहे हैं. हर एक कंसेप्ट अलग है, मेरी बात समझिए. कुछ लोग एगिटेरियन होते हैं, ना ये वेजिटेरियन होते हैं ना ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ये एगिटेरियन होते हैं. अलग अलग गेम है इनका भी, है ना. आप लोगों में से कितने लोग एगिटेरियन है? एगिटेरियन मतलब बाकी नॉन वेज नहीं खाते, हाँ पर एग खाते हैं, हाँ तो एगिटेरियन, एक अलग ब्रीड है. इधर प्योर वेज वाले, प्योर वेज, अंडा भी नहीं, अंडा भी नहीं, वाह भाई, और तंगड़ी मंगता, बराबर है, और एगिटेरियन वाले एक. सो हर तरीके के लोग होते हैं. बट आप देखिए मैकडी जब इंडिया आता है भाई साहब, मैकडी जब इंडिया आता है तो इंडियन बर्गर है, इंडियन मसाला स्पाइस है, पनीर वाला भी बन जाता है, समझ रहे हो. यानी आपके बिजनेस को एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट. क्या करना पड़ता है भाई साहब, अडॉप्ट एंड मैनेज, इन्फ्लुएंस देम. एट द सेम टाइम ये दूसरों को इन्फ्लुएंस भी करता है. KFC, अगर किसी को अचानक से छोटे बाइट्स नॉनवेज के लेने हो एंड यू नो उसको पूरा दुनिया भर का सब बनाने वगैरह का ये नहीं है, ही विल स्ट्रेट अवे गो टू KFC, हैव दैट बकेट, वो जो उनका बकेट फेमस वाले चीज है मिलता है, हैव दैट लजीज, उस पर चीज, सॉस, चटनी. अब ये लोग कई बार क्या करते हैं, ऑफर लेके आते हैं. आपने अगर देखा होगा ये लोग कई बार क्या लेके आते हैं, ऑफर्स लेकर के आते हैं. दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस देम. द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट इफ इट इज टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर. अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इन द एनवायरमेंट. कैडबरी का सिचुएशन देखिए, कंप्लेन रिसीव अक्रॉस इंडिया ऑफ वॉर्म्स इन द चॉकलेट. आपको पता है बीच में कैडबरी के अंदर में थे कीड़े आ रहे थे, एक बैच आया था उसका.
क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिकेम क्वेश्चनेबल, सेल्स ड्रॉप, रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्सेट्रा. अब कैडबरी का फाइट बैक कैसा हुआ? इन हाउस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द कॉज. जैसे ही उनको पता चला कि भैया सेल्स डाउन हो गया, कैडबरी मत खाओ, कैडबरी मत खाओ, ये सब चालू हो गया, उन्होंने तुरंत अपना क्वालिटी चेक किया. न्यू इंप्रूव्ड पैकिंग रिकॉर्ड इन 90 डेज इन द मार्केट, क्रिएटेड अ स्पेशल विजी कूलर अलॉन्ग विद द वोल्टास टू कीप चॉकलेट्स इन अ गुड एंड अ हाइजीनिक कंडीशन टिल द लास्ट पॉइंट ऑफ परचेज फाइनल कंज्यूमर. तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करना ही पड़ेगा. द बिजनेस फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरमेंट, द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंस एंड अदर रिलेटेड रिसोर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एनवायरमेंट. बिजनेस कन्वर्ट दीज रिसोर्सेज थ्रू वेरियस प्रोसेस इन टू आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, लेटर आर पार्टली एक्सचेंज विथ एक्सटर्नल क्लाइंट ग्रुप्स, सेल्स कस्टमर. द एक्सचेंज प्रोसेस ब्रिंग्स इन सम सरप्लस रेपुटेशन, प्राइस, इमेज, विच कुड बी स्टोर्ड एंड यूज फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स एंड ग्रोथ. ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल एनवायरमेंट फॉर इनपुट रिक्वायर्ड बाय देम एंड फॉर डिस्पोजिंग आउट देयर आउटपुट फॉर म्यूचुअल बेनिफिशियली. द इनपुट आउटपुट एक्सचेंज एक्टिविटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड कॉल फॉर एन एक्टिविटी ऑफ इंट्रैक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट. इज दैट डन? दैट्स इट. विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर मेरे ब्रो. सारे लेक्चर कल से मेरे जितने भी होंगे ये ऐप के ऊपर होंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐप के ऊपर आप शिफ्ट हो जाइए. आज का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, कल इसे यूट्यूब पे या अदर जगह पे नहीं लिया जाएगा. ये डेमो लेक्चर्स थे जो कंप्लीट कर लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर लेट से लेक्चर बाय करने हैं तो आप जा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे. नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन बाय इट. बाय बोलो बच्चों.